लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बस होने ही वाला है। उसके पहले चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में बिहार पहुंची है, पटना पहुंची है और बैठकों का दौर जारी हो गया है। जी हां, ये बैठक आज से लेकर कल तक होंगे जिसमें चुनाव आयोग की टीम तमाम चीजों की समीक्षा करेगी। तो बैठक हुई है, पहली बैठक जो हुई है वो नेताओं के साथ की गई है। जी हाँ, विभिन्न पार्टी के नेताओं के साथ बैठक हुई है और बैठक की तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से पटना के एक बड़े होटल में ये बैठक चल रही है। एग्जीबिशन रोड स्थित बैठक में बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, परिंदा भी पर ना मार सके वैसी सुरक्षा है। तो इसके अंदर बैठक हो रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 11 सदस्यीय टीम के साथ पटना में है और बैठकों का दौर जारी है। बैठक में जो नेताओं ने जो बातें निकल कर सामने आई बैठक से, वो नेताओं ने बाहर आकर बताया। अरुण मिश्रा हैं, सीपीआई के नेता हैं, ये क्या कुछ कह रहे हैं, सीपीआईएम के नेता हैं। पहले सुन लेते हैं कि बैठक में जो बातें रखी उन्होंने वो क्या है। तीन व्यक्तियों का डेलीगेशन मिला जिसमें सर्वोदय शर्मा, अरुण मिश्रा और अशोक मिश्रा शामिल थे और हम लोगों ने एक लिखित उनको ये डॉक्यूमेंट सौंपा, हमारी जो समझ है पूरे इलेक्शन कमीशन के कामकाज के बारे में। और हमने साफ साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों में बहुत तरह की आशंकाएं पैदा हो रही, एक परसेप्शन जो है वो ये है कि भाई आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह से आप काम नहीं कर रहे। तो ये बात हम लोगों ने साफ साफ कहा और उन लोगों ने धैर्य से सुना उस बात को और हमने उनको चूंकि एक पूरा कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दिया है, हाँ, ईवीएम के बारे में, वीवीपैट के बारे में, वीवीपैट के बारे में है कि हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम 50% वीवीपैट का वो जाँच होना चाहिए। और फिर हम लोगों ने स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में, ये जो होता है अलग अलग पार्टियों को दिया जाता है समय बोलने के लिए इलेक्शन ब्रॉडकास्ट के लिए, तो उसमें जो स्क्रिप्ट दिए जाते हैं उस पर बहुत काट छांट होती है। हम जो सरकार की आलोचना करते हैं तो उसमें अगर सरकार की आलोचना नहीं होगी तो क्या होगी, तो वो जो है उस पर भी हम लोगों ने बात किया कि इसको भी आपको देखना चाहिए और फिर पूरी मॉनिटरिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब लोगों को विश्वास हो कि आप सही ढंग से काम करें। तो साफ साफ बात हम लोगों ने उनके सामने अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से रखी। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं, बैठक से निकलकर कह रहे हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज की है कि क्या कुछ हो सकता है। दरअसल ये विपक्षी दलों के नेता हैं तो ये इन्होंने अपना पक्ष रखा है और कहा है कि चुनाव, और बाहर निकलकर इन्होंने ये कहा है कि चुनाव में गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसकी संभावना उन्होंने दर्ज की है। उसके अलावा ब्रजेत प्रसाद मुनन है जो कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। साथ ही साथ सीपीआई के नेता मोहम्मद परवेज हैं, उन्होंने जो अपनी बात रखी है चुनाव आयोग के सामने, टीम के सामने, वो भी सुनिए। का डेलीगेशन, हम 5 सदस्यीय डेलीगेशन माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से मिला। सबसे पहले हम लोगों ने अपने अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह साहब की ओर से उनका स्वागत किया। हमारा मुख्य डिमांड था बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां फैल गई हैं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो ईवीएम से जब आप चुनाव कराते हैं तो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसको एक अलग बक्से में रखा जाए और उसका भी गणना किया जाए और ईवीएम का गणना, दोनों का मिलान करके ही रिजल्ट को, परिणाम को घोषित किया जाए। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले करके उसका परिणाम घोषित करके ही ईवीएम से फिर गिनती स्टार्ट की जाए, ना कि ईवीएम से गिनती कर दें और फिर बाद में कहें कि नहीं नहीं पोस्टल बैलेट से कोई काम नहीं, गिनती नहीं हो पाई थी, रिजल्ट में इधर उधर ना हो। होटल के बाहर ना जो हमारा वीडियो वैन से हम प्रचार करते हैं उसको एक सब डिवीजन से ही परमिशन लेने का दिया जाए पार्टी की ओर से। 12 से 13 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए तो हम जानना चाहते थे कि रिक्वेस्ट था कि किस ग्राउंड पर उनके नाम काटे गए, उनको कहीं बताया तो गया नहीं ना उनके फैमिली मेंबर को कि आपका नाम कट गया है, आपका काटा गया, जब वो बूथ पर जाएंगे तो पता चलेगा नाम कट गया है, इसकी जांच कराइए। फॉर्म नंबर 6 होता है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का और फॉर्म 8 होता है नाम सुधार करने का। तो फॉर्म 6 वाला ईपिक तो कहीं पोस्ट से आ रहा है लेकिन फॉर्म 8 वाला जो नाम सुधार वाला ईपिक कहीं नहीं आ रहा है।
दोनों का ईपी का मिलान करके कमजोर वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, वृद्धजनों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को बूथ पर सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल की व्यवस्था की जाए। फिर हमने कहा कि हम आप डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। उन्होंने हमारी बातों को गौर से सुना और कहा कि आपके ज्ञापन पे उचित कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने चुनाव से संबंधित कुछ सुझाव चुनाव आयोग को दिया है और आयोग ने कहा है कि हम गंभीरता से उस पर कंसीडर करेंगे। हमारी एक मांग यह थी कि आयोग का ही कहना है कि भोजपुर, सिवान, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, काराकाट, जहानाबाद ऐसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां वोटिंग का रेशियो कम रहता है। तो हमने कहा है कि इन इलाकों में जो सामंती वर्चस्व के इलाके हैं, आयोग इस बात की गारंटी करे कि समाज के कमज़ोर तबके का मतदान केंद्र उन्हीं के टोले में हो, किसी भी सूरत में उनके टोलों से बाहर न हो। यदि आयोग इसकी गारंटी करता है तो निश्चित रूप से इन इलाकों में मतदान की प्रतिशतता बढ़ेगी। दूसरा, हमने कहा कि मनमाने तरीके से लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं और अधिकांश लोग वीकर सेक्शन से आते हैं, कमज़ोर तबके से आते हैं। हमारी पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड राजा राम सिंह का भी वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, तो हमने उदाहरण के तौर पर उनके सामने रखा कि इसको ठीक किया जाए। इसके अलावा हमने कहा कि चुनाव में जो धन का प्रयोग बढ़ रहा है, 95 लाख की सीमा हो गई है, तो यह बहुत ही ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी पार्टियों को फायदा होता है। तो धन की सीमा, खर्च की सीमा आयोग घटाने का काम करे। और इसके अलावा दो पॉइंट हमने और उठाया ईवीएम के सवाल पर कि ईवीएम पर संदेह लोगों का बरकरार है, इसलिए इस चुनाव में आयोग कम से कम इस बात की गारंटी करे कि वीवीपैट की गिनती 100% होनी चाहिए और साथ ही पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही ईवीएम से गिनती होनी चाहिए। यदि आयोग इस बात की गारंटी करता है, क्योंकि हमेशा सवालों के घेरे में रहा है, यदि आयोग इस बात की गारंटी करता है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास बढ़ेगा। कुल मिलाकर के हम लोगों ने 5 मांगों से संबंधित अपना एक ज्ञापन आयोग को दिया है और उस पर उन्होंने कंसीडर करने का विचार। कुमार परवेज, CPIML। तो सभी की बात आपने सुन ली। हालांकि ये तमाम जो दलों के नेता हैं, ये विपक्षी दलों के नेता हैं और चुनाव आयोग के सामने इन्होंने अपनी संभावनाएं रखी हैं और चुनाव में गड़बड़ियों की बात इन्होंने कही है। तो ऐसी स्थिति में अब चुनाव आयोग की टीम तमाम लोगों की बातें सुन रही है। हम आपको बताएं कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तो है ही टीम में और उनके साथ दोनों निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल भी इस टीम में शामिल है। 11 सदस्यीय टीम है, तमाम संभावनाओं को खंगाल रही है। सभी राज्यों में जाना है इस टीम को, तो ऐसे में बिहार का ये दौरा है और आज से लेकर कल तक अधिकारियों से लेकर नेताओं तक तमाम बातें होंगी और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो चुनाव अब बस आने ही वाला है, तारीखों का ऐलान अब बस किया ही जाना है और उसके पहले बिहार में ये बैठक चल रही है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।